हाँ बेटा, क्या हाल है? बढ़िया। चलो, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बेटा, उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, याद है ना? ठीक है, तो कैपिटल एम स्मॉल एम में रिलेशन की हम बात कर रहे थे बच्चों। उसमें हमने क्या कहा था, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें ग्रेटर कौन होता है? स्मॉल एम वाला क्या होता है? ग्रेटर होता है बेटा। ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? मोलेलिटी ग्रेटर देन मोलेरिटी। क्लियर है? इधर ध्यान दो। और अगर नॉर्मल डायल्यूट सॉल्यूशन की हम बात करें, डायल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? दोनों ऑलमोस्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे बेटा। क्लियर है? ठीक है, यहां तक अपने बात की थी। एक फॉर्मूला और बताता हूँ बच्चों। उस फॉर्मूले में क्या, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछता है, इसमें वैल्यू पुट करके अपन न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ये फिर भी ध्यान रखना है। क्लियर है? बस हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, क्या पूछा, उसी को अप्लाई करते हुए हमें न्यूमेरिकल्स करनी है। क्लियर है? चलो बच्चों, वो एक रिलेशन और क्या होता है, कई बार डायरेक्टली पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि मोलेरिटी और मोलेलिटी दोनों को डायरेक्टली कैसे कोरिलेट हम कर सकते हैं। ओके, देखो बच्चों, समझते जाना। अगर मैं ये लिखूं इफ मोलेलिटी लेकिन इसकी वैल्यू जैसे मान लो 1, 2 जो भी है, मैं स्मॉल एम ही लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले में जहां हमें मोलेलिटी की वैल्यू पुट करनी पड़ी, वहां एम की जगह वही वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, या कैलकुलेट करना पड़ेगा तो एम की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास मोलेलिटी आ जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, देखो बच्चों क्या करेंगे, अगर मोलेलिटी की वैल्यू स्मॉल एम अगर मान लो हम माने, इसका मतलब मोलेलिटी का कॉन्सेप्ट याद करो बच्चों, मोलेलिटी में क्या होता है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल होते हैं उसे ही तो हम क्या कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये वैल्यू किसकी है बच्चों, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स की वैल्यू है। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, n1 क्या हो गया, स्मॉल m के बराबर। यस और नो? और w2 कितना हो गया बच्चों, w2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या फिर क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम। समझ में आ गया? इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स मेरे पास ये आ गए। क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा, आगे देखो, हमें ध्यान है बच्चों, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। यस और नो? होता नहीं होता? अगर सॉल्यूट के मोल के लिए बात करूं तो इसे n1 लिख सकता हूं, तो वेट और मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का लेंगे। यस और नो? देखो बच्चों, वहां से n1 किसके बराबर है, स्मॉल एम के बराबर है या नहीं है, है बच्चों? तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम और कैपिटल M1। समझ में आ गया? ये कौन सा सिंबल किसके लिए है, 1, 2 किसके लिए है, ये चीजें मैंने इसीलिए आपको पहले बताई थी, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बच्चों। ठीक है, कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूशन है, कौन सा किसके लिए है, ये चीजें ध्यान होगी तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मास अपॉन डेंसिटी। यस और नो? यानी सॉल्यूशन के वॉल्यूम की मैं बात करूं तो बच्चों क्या होता है, सॉल्यूशन का वेट अपॉन सॉल्यूशन की डेंसिटी। क्लियर है? सॉल्यूशन का जो वेट है वो हमें पता है किसके वेट के बराबर होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट। यस और नो? अरे होता है, नहीं होता? टोटल W किसके बराबर होगा, W1 प्लस W2 के। ठीक है बेटा, अब हम W1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, MM1, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखो निरी मैथमेटिक्स है जो मैथमेटिक्स में करते हैं, ये बराबर ये बराबर ये। ठीक है बच्चों, W1 की जगह मैं क्या कर दिया, MM1, और W2 की जगह अपन क्या कर सकते हैं, प्लस 1000। यस और नो? अपॉन में क्या है, डी है बेटा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब हम बात करें बच्चों मोलेरिटी की। मोलेरिटी हमें पता है क्या होता है, N1 अपॉन VML मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, 1000। होता है नहीं होता? अरे होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M, देखो बच्चों N1 की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, M मल्टीप्लाई क्या है बच्चों इसके, 1000 अपॉन V की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते, MM1 प्लस 1000 अपॉन क्या है, D है बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बेटा इसके अपॉन में अपन 1 मान सकते नहीं मान सकते, 4 स्टेप हो गए, तो फोर्थ वाला फर्स्ट के मल्टीप्लाई में आ सकता है नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। तो अपन क्या कह सकते हैं, m इक्वल टू क्या हो गया, m मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया, d ऊपर चला गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल m कैपिटल m1 प्लस 1000। यस और नो? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, m इक्वल टू क्या हो गया, 1000 md अपॉन mm1 प्लस 1000। यस और नो? बस ये डायरेक्टली फॉर्मूला हमें देके पूछा जाता है कैसे करना है क्या करना है। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, मोलरिटी इज इक्वल क्या हो गया, 1000 md अपॉन mm1 प्लस
1000 क्लियर है। इसमें क्या करेगा आपको डेंसिटी देगा सॉल्यूशन की और सॉल्यूट का मोलर मास, तो सॉल्यूट का नाम आ जाएगा तो मोलर मास अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे सभी एटम की मास का सम करके। क्लियर है? आपको स्मॉल एम देके कैपिटल एम पूछ सकता है, कैपिटल एम देके स्मॉल एम पूछ सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो आस्क है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ इसलिए है कहीं आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिले कि ये आपस में कौन सा रिलेशन सही है, तो हमें आइडिया हो कैसे करना है क्या करना। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ठीक है, यहाँ इन सब का अपन मीनिंग जरूर लिखेंगे। कैपिटल एम का मतलब क्या हो गया? मोलैरिटी। ठीक है, स्मॉल एम का मतलब क्या है बेटा? मोलैरिटी। एम वन जो लिखा है इसका मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और जो डी लिखा है वो क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बस चार वैल्यू देगा, 1000 तो 1000 है, यस और नो? क्लियर है? नोट करो बेटा, तो कल जहां तक अपने किया था उसके आगे अगला पॉइंट लगा के लिख लो। कंटिन्यू, लिखो इनका मतलब लिखो। कैपिटल एम इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल एम इज इक्वल टू मोलैरिटी, कैपिटल एम वन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
चलिए चलो बेटा अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस पर बच्चों, ठीक है। कैसे देखो, हमें मोलरिटी के सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं, ऐसा बोले तो क्या करना, वैसा बोले तो क्या करना, अब वन बाय वन हमें इनको अप्लाई करके देखना है। बेटा लिखो बच्चों, डेंसिटी इज 0.2 ग्राम पर एमएल, डेंसिटी इज 0.2 ग्राम पर एमएल, डेंसिटी इज 0.2 ग्राम पर एमएल और 9.8% बाई मास, और 9.8% बाई मास, डेंसिटी इज 0.2 ग्राम पर एमएल फॉर 9.8% बाई मास, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, then calculate the molarity of a solution. लिख ले बेटा। देखो कैसे करना है, मैं हर क्वेश्चन का बच्चों, देखो बच्चों की लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करके बताता हूँ, क्यों मैं सीधा फॉर्मूला लिख दू, वैल्यू पुट कर दू, मैंने सोल्व करके दिखा दिया, आपने तो सोल्यूशन रटा है ना कि समझा है। ओके, मैं हमेशा स्टूडेंट की लैंग्वेज में करके क्यों बताता हूँ कि अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में भी ऐसा ही आना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम। ओके ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो मुझे क्या ध्यान रखना है कि मुझे क्या गिवन है, बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा था, सबसे पहले न्यूमेरिकल, खासकर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स में क्या देखते हैं, मुझे क्या गिवन है, उसके बाद देखेंगे क्या आस्क है। क्लियर है? सबसे पहले देखो आपको क्या बोला है बच्चों, 9.8% बाई मास, यानी कौन सा है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यस और नो? अब इसका कॉन्सेप्ट हमें ध्यान है बच्चों, क्या हमें पता है कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसकी होती है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की, सॉल्यूट की होती है। मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं इन दोनों में से कोई सा हो, दिमाग काम में लो बेटा। मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, सॉल्यूट की होती है। खुद का दिमाग काम में लो, सर ने क्या बताया था, मैं तो यही देख रहा हूँ कितना तुम वही बात इस चीज को कैच कर रहे हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, कंसंट्रेशन के टर्म हमेशा जो वैल्यू होगी उसके साथ किसकी होगी, सॉल्यूट की। ठीक है, हमें पता है वेट बाई वेट में क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट। क्लियर है? इनडायरेक्टली मुझे क्या दे दिया, सॉल्यूट का वेट यानी N1, W1 कितना आ गया बेटा, 9.8 ग्राम। क्लियर है? और W कितना आ गया बच्चों, 100 ग्राम परसेंटेज है तो। क्लियर है? ठीक है बच्चों, और D मुझे क्या दे रखा है, 0.2 ग्राम पर ml, ये तो मुझे दे रखा था। क्लियर है? ब्रैकेट में बेटा क्वेश्चन की एक चीज ऐड कर लेना, क्या MW of H2SO4 is equal to 98 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास होता है। आप हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन सभी एटम का वन बाई वन ऐड करके देखोगे तो 98 आएगा बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों ये मुझे दे दिया। अब मैंने क्या कहा, ये तो मुझे गिवन वाली वैल्यू है। क्लियर है? ये मुझे गिवन है। अब मुझे क्या ध्यान होना चाहिए, क्या आस्क है, उसके अकॉर्डिंग में आपस में कोरिलेट करके मुझे और भी कुछ चाहिएगा तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ओके ठीक है, मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, N1/W2 × 1000, यस और नो? नो बेटा, वो मोलेरिटी का होता है, मैं बात कर रहा हूँ मोलेरिटी की। मोलेरिटी में N1/W2 थोड़ी होता है, N1/V होता है, यस और नो? अरे याद है ना, एक्टिव रहो बेटा, जागते रहो। तो मैंने क्या कहा, मोलेरिटी होता है N1/W या V बच्चों, V लीटर। क्लियर है? अगर इसको मास के टर्म में लिखूं तो N1 को क्या लिखेंगे अपन, W1/M1, और ये VML में हो तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1000, यस और नो? अब देखो बच्चों मुझे क्या क्या चाहिए, इधर जान दो, मुझे मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए W1 चाहिए, वो मेरे पास आ गया, यस और नो? M1 चाहिए, वो मुझे H2SO4 का पता ही है। अब मुझे क्या चाहिए, VML चाहिए। VML मुझे दे रखा है क्या, नहीं बच्चों। वो कहां से कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, यस और नो? मास देखो बेटा कितना आ गया मेरे पास, 100 ग्राम आ गया मेरे पास, और क्या देखेंगे, डेंसिटी क्या है बच्चों, 0.2 ग्राम पर ml, यस और नो? ग्राम से ग्राम चला गया, तो यहां से क्या करेंगे, 100/0.2 ml, और हमें पता है बेटा 0.2 अगर हम हटाए तो क्या होगा बच्चों,
इसको हटाए डेसिमल को ऊपर 10 आ सकता नहीं आ सकता, यस और नो? तो बच्चों देखो ये 2 से कितना हो जाएगा, अरे 5 होगा या नहीं होगा, यस और नो? इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं क्या, यानी कितना हो गया बच्चों, V इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 500 ml, यस और नो? अब वैल्यू पुट कर देंगे बस, तो क्या करना है, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वन कितना आया 9.8 मल्टीप्लाई बाई क्या 1000 अपॉन एम वन, 98 मल्टीप्लाई बाई VML, VML कितना आ गया बेटा 500, क्लियर है बेटा? ये कितना टाइम होगा 2 टाइम, और ये कितना होगा 0.1, यस और नो? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो M इसको कितना आ जाएगा बच्चों 0.2 मोल पर लीटर। मैंने क्या कहा था इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, समझ में आ गया? नोट करो बच्चों, चलिए बेटा चलिए क्या, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो द डेंसिटी इज, द डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml, द डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml, द डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml, 1.1 ग्राम पर ml, और 0.1 m, बोर्ड पे देखो ओनली m बोलूं तो कैपिटल m, ठीक है 0.1 कैपिटल m, मैं टाइम बचाने के लिए जीरो नहीं बोल रहा हूँ, आप लगा लेना ना कंफ्यूज हो जाओगे, कोई ओनली 0.1 को ओनली 1 पढ़ोगे, बाद में तुम जब भी रिवाइज करोगे 0.1, ठीक है। द डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml, 4.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रैकेट में लिख लो बेटा MW इक्वल टू 180 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास होता है, डाटा कुछ आप डायरेक्टली याद हो जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे मैं साथ साथ लिखा दूंगा, ठीक है। 11 का मोल कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते तो मैं सारा कैलकुलेट करना बता देता, ठीक है, उसमें मैंने सारा बता भी रखा है, ठीक है। एक काम करना, इसमें मैंने 11th में मोल कॉन्सेप्ट बेटा कराए थे, मोलर मास बताया था ना, उसमें सारा लिखाया था, तो उन दो पेजेस की फोटो मोहित को भेज देना, तुम्हारे पास वैसे मोबाइल तो नहीं है शायद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉपी एक बार ला देना, ये उससे नोट कर लेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल सभी मैंने बताया, तरीका मैंने बताया एक एक आइटम का कैलकुलेट करना, और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज ये सारे मैंने बताए बेटा कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। चलो बेटा तो क्या कहा, 1.1 m ग्राम पर ml, 4.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, MW इज गुड, ये ठीक है। देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट
लिखो बोर्ड पे। बेटा चलो देखो बच्चों कैसे करते हैं, क्या करते हैं, समझना इस चीज को। देखो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन में करना ही क्या है, क्या मुझे गिवन है, आ गया समझ में। उसके बाद क्या देखूंगा, क्या मुझे आस्क है, ठीक है, जो जो मुझे चाहिए वन बाय वन मैं कैलकुलेट करके देख लूंगा कैसे। सबसे पहले मुझे ये दे रखा बच्चों देखो 0.1 m, तो सबसे पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैंने क्या कहा था बच्चों, आपको एक वर्ड या सिर्फ एक डाटा देगा, आपको हिंट देगा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको खुद को पता होना चाहिए। ये बताओ मुझे क्या दिया रखा है इसने, मोलरिटी दे रखी है बेटा, ठीक है। इस एक क्वेश्चन में मैंने चार क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए बच्चों, इसमें आपको मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, कोई सा भी पूछ सके तो हम कर सके, ओके। अब देखो मैंने क्या कहा, मोलरिटी की अगर हम बात करें तो मोलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स, यस और नो, n1/v तो होता है बच्चों। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, सॉल्यूट के मोल की वैल्यू बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन में, यस और नो, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे, n1 इज इक्वल टू मेरे पास इनडायरेक्टली कितना हो गया 0.1, क्लियर है, ठीक है। v इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1 लीटर, 1 लीटर यानी कितना हो गया 1000 ml, यस और नो, क्लियर है। और देखो बच्चों मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू कितनी होती है 1.1 g/ml, समझ में आ गया, यस और नो। अब बात करूंगा बच्चों देखो मुझे क्या चाहिए, ठीक है, ये तो मुझे दे रखा था, जैसे जैसे हमें आगे वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते जाएंगे बेटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों मुझे क्या दे रखा है, जैसे क्या पूछा मुझे, स्मॉल m मुझे पूछा है, स्मॉल m में क्या होता है बच्चों देखो n1/w2, यस और नो, w2 क्या होता है, सॉल्वेंट का वेट, यस और नो। n1 तो मेरे पास है या नहीं है, मुझे क्या चाहिए w2 कहां से आ सकता है, अगर मुझे w1 w पता हो तो ही तो मेरे पास w2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये बताओ जब मेरे पास सॉल्यूट के मोल आ गए तो इसे सॉल्यूट का वेट आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता बेटा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मुझे पता है n = होता है w/mw, तो यहां से क्या करूंगा, w = क्या आ जाएगा, w = n/mw, यस और नो, बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है, ठीक है बच्चों। देखो कैसे करते हैं, इसका मतलब W1 कैलकुलेट करूं तो मैं क्या करूंगा, N1 मेरे पास कितना आ गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास कितना होता है 180, यानी ये कितना आ गया 18 g आ गया, यस और नो, क्लियर है। अब मुझे W कैलकुलेट कर लूं तभी तो W2 आएगा बच्चों, W कहां से आ सकता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी आ गई, यस और नो। इसका मतलब ये बताओ W क्या होता है बच्चों, मास वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, क्लियर है। तो W = वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी है 1.1, यानी कितना आ गया 1100 g, यस और नो, दोनों का डिफरेंस कर दो, W2 आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। तो क्या करेंगे, W2 = क्या हो जाएगा W - W1, यस और नो। तो क्या करूंगा बच्चों, W2 = यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं 1100 - 18, यानी कितना हो गया 1082 g, यस और नो, क्लियर है बच्चों। अब आगे चलो, मुझे क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन के लिए, मुझे क्या चाहिएगा N1 खुद के मोल अपॉन सबके मोल, अरे खुद के मोल सॉल्यूट के मोलते हैं, अब मुझे क्या चाहिए सॉल्वेंट के मोल। तो जब मेरे पास सॉल्वेंट का वेट आ गया तो ये बताओ उसके मोल आ सकते हैं नहीं आ सकते, आ सकते हैं बेटा। तो क्या करूंगा N2 = क्या हो जाएगा W2/m2, यस और नो, वेट अपॉन मोलर मास, सॉल्वेंट के मोल चाहिए तो वेट और मोलर मास भी किसका लेंगे, सॉल्वेंट का लेंगे, सॉल्वेंट का वेट मेरे पास कितना आ गया 1082 मोलर मास, वाटर की बात करा तो ये क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा, घर पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख लेना, टाइम पास की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मेरे पास ये बताओ बच्चों मोल दोनों N1 आ गया N2 आ गया, मोल फ्रैक्शन आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है। तीसरा देखो बच्चों क्या है, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई मास में क्या होता है W1/W, मेरे पास W1 आ गया नहीं आ गया, W आ गया नहीं आ गया, ये आ सकता है, ठीक है बच्चों। परसेंटेज W/V में क्या चाहिए W1/V, W1 अपने पास है या नहीं है, V अपने पास है या नहीं है,
अरे वी भी है बच्चों, काम खत्म। अब सभी की वैल्यूज आ सकती नहीं आ सकती, बस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब तो बच्चों इजी है, अब तो क्या करते जाना है, वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है, काम खत्म, यस और नो। तो पहले तरीका पता होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मैं कहाँ से लेके आ सकता हूँ, क्लियर? ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है, मोलेलिटी क्या होता है, एन वन अपॉन डब्ल्यू टू ग्राम, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1000। बच्चा कहेगा सर एन वन को डब्ल्यू वन अपॉन एम वन लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो, लेकिन कोई फायदा है क्या? अरे डब्ल्यू वन अपॉन एम वन को सोल्व करके एन वन तो आएगा, स्मॉल एन वन मोल ही तो आएंगे, मोल तो हमें डायरेक्टली दे रखे हैं, तो ये बताओ डब्ल्यू और एम को सोल्व करके फायदा है क्या? नहीं बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखो एन वन मेरे पास कितना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय क्या है 1000 अपॉन क्या लिखूंगा डब्ल्यू टू, मेरे पास कितना आ गया रे, वेट ग्राम में देखो सोलवेंट का कितना रहा बच्चों, ये रहा बच्चों, ये वाला रहा कितना 1082, क्लियर है? इसे अगर मैं करूं बेटा, देखो डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो तो 100 अपॉन क्या हो गया 1082, ये सोल्व करके घर पे देख लोगे कितना आता है बच्चों, इससे मेरे पास क्या आ गया, मोलेलिटी आ गई, क्लियर है? ठीक है, दूसरा बच्चों मुझे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन। बच्चा कहेगा सर मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों की कोई सी भी हो सकती है, कौन सी कैलकुलेट करूं, दोनों कैलकुलेट करके देख लो, ऑप्शन ए की दे रखा तो आपको सॉल्यूट की बतानी है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू गिवन होती है वो भी सॉल्यूट होता है, जो आस्क होता है वो भी सॉल्यूट होगा, चल के चिल्ला चिल्ला कर सॉल्वेंट बोला है तो सॉल्वेंट की कर लेंगे, अपन यहाँ दोनों ही करके देख लेंगे, नो टेंशन। ओके, कैसे, अगर मैं लिखूं एक्स वन तो क्या हो जाएगा बेटा, एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू, खुद के मोल अपॉन सबके मोल, एक एक चीज हमने पढ़ी है, याद है ना, एन वन मेरे पास कितना आ गया बेटा 0.1, तो 0.1 प्लस एन टू मेरे पास कितना आया 1082 अपॉन 18, इसे सोल्व कर लेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे ना घर पे, यस और नो, टाइम पास वाला काम है। अब तो x2 क्या हो जाएगा 1 - x1, जो मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई, 1 माइनस कर दूंगा तो x2 आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा। अब बात करें नंबर थ्री, नंबर थ्री पे मोले बोला है बेटा परसेंटेज w बाई w, तो फॉर्मूला क्या होता है, w1 अपॉन w मल्टीप्लाई क्या होता है 100, यस और नो। तो यहाँ से क्या करूंगा, w1 मेरे पास कितना है बच्चों 18 ग्राम, तो आया W1 अपने पास, कहाँ गया W1, ये वाला रहा 18, W कितना है बच्चों 1100 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसे करते हैं बच्चों, देखो हमें पता है 11 का डबल करते हैं 22 आता है, और ये 22 से थोड़ा कम है, 18 है, यानी 2 से थोड़ा कम आएगा नहीं आएगा, तो अप्रोक्स कितना आ गया, ऐसी कैलकुलेशन को तो अपन अप्रोक्स करके कर सकते हैं बेटा, समझ में आ गया? देखो या वैसे कर लो, अगर 10 होता, 10 से डिवाइड करते 1.8 आता नहीं आता, लेकिन 10 से थोड़ा ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो आंसर थोड़ा सा कम, तो लगभग मैं क्या मान रहा हूँ मुझे अप्रोक्स 1.6 या 1.7 समथिंग मान रहे हैं, समझ में आ गया? बस ऐसे कर सकते हो। नंबर फोर, नंबर फोर पे हमें क्या बोला है, परसेंटेज W अपॉन V इक्वल टू क्या होता है बेटा, W1 अपॉन V मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100, यस और नो। यहाँ से अगर अपन बात करें W1, W1 कितना है बेटा हमारे पास 18 अपॉन V, V अपने पास कितना आ गया बेटा, ये दे ही रखा है 1000, मल्टीप्लाई क्या करेंगे एंड इससे इसको उड़ा दो बेटा, ये तो एग्जैक्ट बेचारा आ ही जाएगा, यानी 1.8%, समझ में आ गया वो डाउट बेटा यहाँ तक, यस और नो? ठीक है, तो कैसे करना, बहुत ईजी, अगर कॉन्सेप्ट के अपने दिमाग लगाओगे क्या दे रखा है, अब मुझे ये कैलकुलेट करना है तो इसमें मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये बेचारा यहाँ से रहा, ये यहाँ से रहा, ये यहाँ से रहा, बस पहले पुट करते जाओ, सोल्व करते जाओ, क्लियर है? कैलकुलेशन ईजी है तो डायरेक्टली कर लो, टिपिकल है तो ऑप्शन मैच कर लो, मुझे कहाँ तक करना है तो ऑप्शन दूर दूर है, तो अप्रोक्स टेक्निक से कर सकते हैं बेटा, क्लियर है? नोट करो, कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन साथ साथ करते रहे ना बेटा, साथ साथ करना है बेटा, वरना कर नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? आज जाके मोलरिटी के क्वेश्चन भी चेप देना।
आपके कॉन्सेप्ट तब स्ट्रांग हो गए बेटा, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जाके क्वेश्चन देख के बिना सॉल्यूशन देके अपनी तरफ से ट्राई करोगे, क्लास में आपने समझाया घर जाके उसे बिना देखे सॉल्व करके देखो बच्चों, ठीक है। फिर अपना आंसर मैच करोगे, मेरा जो आया सर ने किया सही है सेम है क्या, या गलत डिफरेंट आ रहा है देखो मुझसे गलती कहाँ हो रही, मैच करके देखो, फिर वापस बिना देखे करके देखो कि हाँ पिछली बार जो गलती की थी अब मैं उसे दूर कर सकता हूँ। तीन चार बार करके फिर सर ने कैसे किया समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे दिन वापस पूछा करो सर वो कैसे था, या क्लास के बाद जाते पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं सर कल ये करवाया था कैसे था ये, ठीक है। चलिए चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो द डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर ml, द डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर ml फॉर 0.1 स्मॉल m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, the density is 0.9 gram per ml for aqueous solution of NaOH, for aqueous solution of NaOH, चलिए for aqueous solution of NaOH देख लिए, then calculate, एक काम करो NaOH के ब्रैकेट में इसका mw लिख लो, mw is equal to 40 gram 40 क्या 4.1 नहीं बेटा 0.1 और भी लिखा है ना 0.1 लिखा है, दोबारा सुनो क्वेश्चन को, डेंसिटी इज 0.9 ग्राम पर ml फॉर 0.1 स्मॉल m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, क्लियर है, ब्रैकेट में लिखो बेटा इसका mw इक्वल टू 40 ग्राम mw is equal to 40 gram, ठीक है, then calculate the value of following, then calculate the value of following, बोर्ड पे लिखा बच्चों क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है इसमें, चलिए देखो बच्चों कैसे करना, सबसे पहले मैंने क्या कहा क्या हमें गिवन है कि आपको रूम पे भी ऐसे ट्राई करना, सबसे पहले क्या मुझे दे रखा है, सीधा पेन चला के वही बात कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो कभी नहीं कर सकते बच्चों, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को फील करना है, फील करना है यानी क्या बोल रहा है इसने क्या दे रखा है क्या मुझे पूछा है, ओके तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों देखो हमें क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन टर्म कौन सा दे रखा है बच्चों,
0.1 स्मॉल m, तो पहली बात तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल इतने हैं, यस और नो? यस और नो? नो बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं, मोलेलिटी में सॉल्वेंट का वेट आता है, याद है ना, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स मुझे दे रखे हैं, बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब n1 इसको टू कितना हो गया बच्चों, 0.1 हमें दे रखा है, तो कितना कर देंगे, 0.1 आ गया, क्लियर है? और मुझे क्या मिल गया बच्चों यहाँ से, W2 कितना मिल गया बेटा, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, समझ में आ गया, क्लियर है? और मुझे क्या दे रखा है बेटा, डेंसिटी कितनी दे रखी है रे, 0.9 ग्राम पर ml, यस और नो? यहां तक बात ठीक है, कोई डाउट? ठीक है बच्चों, अब देखेंगे वन बाय वन, मुझे क्या पूछा है, मोलेरिटी बेटा देखो, वैसे तो मैं मोलेरिटी डेंसिटी दोनों दे रखी है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1000 md/mmn+1000, लेकिन हमें नहीं करना, उससे भी आ जाएगा नो डाउट, घर पे करके देख लेना, सेम आंसर आएगा, लेकिन हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करके फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने जो याद कर रखा है इसकी डेफिनेशन से, उसी से हम करेंगे हमेशा, ताकि कोई भी कुछ ना जाए घुमा फिरा के, क्योंकि एक फॉर्मूला रट के करोगे तो उसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे कहां पर एम आ रहा है कहां पर क्या आ रहा है, ओके? तो क्या करना है देखो, पहला मुझे पूछा मोलेरिटी, मोलेरिटी में क्या चाहिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल n1/v, यस और नो? मेरे पास n1 है या नहीं है, अरे n1 है या नहीं है, n1 तो है, अब मुझे क्या चाहिए, v, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहाँ से आ सकता है बेटा, अगर देखो सॉल्यूट का वेट अगर कैलकुलेट कर लो मोल से यहाँ से, तो हमें पता है सॉल्वेंट का वेट दे ही रखा है, दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेट, तो सॉल्यूशन का वेट और डेंसिटी से वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों, क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, W1 इसको क्या हो जाएगा, n1 multiply by m1, 1000 बार हम कर चुके हैं, ये कैसे हुआ ये तो ध्यान है ना, क्लियर है? यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, W1 इसको मोल मुझे कितना दे रखा है ये, और मोलर मास कितना है 40, n कितना आ जाएगा 4 ग्राम, यस और नो? ठीक है, और W2 मुझे ये दे ही रखा है बच्चों, तो W इसको क्या हो जाएगा, W1 plus W2, यस और नो? तो क्या करेंगे बेटा, W इसको W1 कितना आ गया 4, और W2 कितना है 1000, यानी कितना हो गया 1004, अरे 1004 होगा नहीं होगा, होगा बच्चों, क्लियर है? यहाँ से मेरे पास क्या आ सकता है, V आ सकता है नहीं आ सकता, V इज इक्वल टू क्या करूंगा, मास अपॉन मोलर वेट अपॉन मोलर मास, यस और नो? और देखो बच्चों वेट यहाँ पर सॉल्यूशन का कितना आ गया, 1004 अपॉन मोलर मास क्या करे, वेट अपॉन सॉरी वॉल्यूम की बात कर रहा है ना, वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी मेरे पास कितनी आई बेटा 0.9, क्लियर है? कैलकुलेशन टिपिकल है, ऐसा के साथ छोड़ दो बेटा, लास्ट में देखेंगे, ये 0.9 है बच्चों, ध्यान रखना, इससे मेरे पास ये बताओ n1/v से मेरे पास मोलरिटी आएगी नहीं आएगी, आ जाएगी बच्चों, ठीक है। दूसरा देखो मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, खुद के मोल अपॉन है सबके मोल, ये बताओ मेरे पास खुद के मोल तो आ गए, सोल्यूट के मोल आ गए, दूसरे के मोल आ सकते नहीं आ सकते, आ सकते हैं बेटा, वो कहाँ से आएंगे, n2 इसको क्या हो जाएगा, W2 upon m2, यस और नो? W2 की बात करूं, W2 कितना है बेटा 1000 upon m2, वाटर की बात करें 18, इसको तो सोल्व करके हमने देखा ही था 55.55 आता है, यस और नो? मेरे पास सेकंड मोल आगे नहीं आगे, ठीक है, इससे मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, वेट बाय वेट में क्या चाहिए, W1 upon W1 मेरे पास है या नहीं है, ये रहा W मेरे पास है या नहीं है, ये रहा, इसमें क्या चाहिए W1 upon V, W1 है या नहीं है, V है या नहीं है, अब वैल्यू पुट करने का काम, अब तो काम खत्म, ठीक है बेटा। तो देखो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं, नंबर वन में हमें क्या बोला बच्चों, मोलेरिटी क्या होता है बेटा, n1 upon क्या होता है, v ml, मल्टीप्लाई क्या करूंगा 1000, यस और नो? सॉल्यूशन ml में है तो सीधा ml में ले लेंगे बच्चों, n1 मेरे पास है या नहीं है, ये हो गया बेटा n1, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1000 upon v ml, vml मेरे पास कितना आ गया बच्चों, ये रहा 1004 अपॉन क्या करेंगे 0.9, यस और नो? क्लियर है, ठीक है बच्चों। यहाँ से अगर अपन करें बच्चों तो देखो 0.9 को ऊपर लेके जाए तो 0.1 multiply by 1000 multiply by क्या हो जाएगा 0.9 अपॉन क्या करेंगे 1004, यस और नो? बच्चों देखो ये 1000 या 1004 ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर सकते नहीं कर सकते, यस और नो? तो ये देखो बच्चों हमें पता है, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा, समथिंग हमें पता है बेटा 1 से कम होगा या नहीं होगा, अरे 1000 upon 1000 होता तो 1 आ जाता है बच्चों, लेकिन हमें पता अपॉन वाली वैल्यू थोड़ी ज्यादा है तो 1 से थोड़ा सा कम, 0.9 को 0.1 से करता तो कितना आता
0.09 यस और नो, उससे थोड़ा सा कम, तो अप्रोक्स आप इतना कर सकते हो 0.09 ऑलमोस्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, मोल पर लीटर में। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा? चलो दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन पहले सॉल्यूट की कर लो, खुद के मोल अपॉन क्या हो जाएगा, सबके मोल, क्लियर है। खुद के मोल कितने हैं 0.1, N1 है 0.1, तो दूसरे के मोल कितने हैं 55.55, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, 0.1 अपॉन क्या हो गया 55.65, इसे सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, अरे 55 में 0.1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो 5 प्लस 0 5 ही आएगा, तो 0.5 0.1 0.6 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और X2 कैसे आएगा बच्चों, 1-X1 कर दूंगा तो X2 आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नंबर थ्री में क्या बोला है, परसेंट W/W इज इक्वल टू क्या करेंगे, W1 upon W मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, यस और नो, ठीक है बेटा। तो W1 की मैं बात करूं, W1 देखो मेरे पास कितना आ गया, अरे 4 ग्राम आया ना, ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आया 1004 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100, यस और नो, ठीक है बेटा। इसे अगर करो बच्चों देखो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, देखो 1000 मैंने ऑलमोस्ट बेटा कैंसिल आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते, अरे समथिंग 1000 ही हो गया बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 10/4 ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 0.4%, समथिंग आएगा नहीं आएगा, समथिंग कर लेना बेटा, इससे थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर है। कैसे किया, समझ में आ गया, यस और नो। जतिन देखो बच्चों, चलो और भी थोड़ा सा करो, देखो ये 0.9 से थोड़ा सा कम, तो अपन क्या मान सकते हैं 0.09 से, यानी 0.09 8 to समथिंग, ये मान लेना, क्लियर है। ये हमें पता है बच्चों, देखो अगर अपॉन में 1000 होता तो 2020 कैंसिल आउट, फिर 10/4 हो जाता, लेकिन हमें पता 1000 थोड़ा ज्यादा है तो 0.4 से थोड़ा कम आएगा, तो 0.4 से थोड़ा कम कोई दिक्कत नहीं है, चलो बेटा मैं ये मान रहा हूँ 0.35, अब तो खुश हो ऑलमोस्ट आ जाएगा, क्लियर है। 0.4 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन देख लेना 0.35, क्लियर है। 0.4 का मतलब कितना हो गया 0.40, उससे थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन, क्लियर है, ठीक है बच्चों। नंबर फोर में मुझे बोला है परसेंट W/V इक्वल टू क्या होगा, W1/V मल्टीप्लाई क्या होगा 100 होगा, क्लियर है। W1 मेरे पास क्या है 4, और V मेरे पास कितना है बच्चों, V अपने पास ये आ रहा है 1004 अपॉन कितना है 0.9, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा 100, यस और नो, यहाँ तक ठीक है। तो बच्चों देखो इसे अगर हम सोल्व करें तो कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 0.9 अपॉन में क्या करेंगे 1004, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बच्चों देखो, यहाँ से अगर अप्रोक्स करके करें तो ये बच्चा ऑलमोस्ट अगर कर दिया, सपोज करो, अरे सीधी सी बात है 4 इसमें कोई ज़्यादा फर्क आ गया, अपॉन में हैंड देखो 10 से मुझे डिवाइड करना है, अगर 0.9 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो गया 3.6 अपॉन 10 कितना हो गया 0.36, यस और नो, लेकिन अपॉन वाली वैल्यू ज़्यादा थी तो 0.36 से भी थोड़ा कम आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों, ये ऑलमोस्ट मैं मान रहा हूँ 0.32%, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है, कोई डाउट बच्चों नोट करो।
बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना बेटा, एक एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के चार पांच टाइप से कैसे पूछ सकता है। मैंने टाइम पास से बचने के लिए एक क्वेश्चन को चार टाइप से अलग अलग पूछा बेटा, ठीक है, बात समझ में आई क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द ML, ML मतलब मिली वाला, कैलकुलेट द ML वॉल्यूम यानी मिली लीटर में, कैलकुलेट द ML वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द ML वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द ML वॉल्यूम ऑफ 3MHCl सॉल्यूशन, कैलकुलेट द ML वॉल्यूम ऑफ 3MHCl सॉल्यूशन, 3MHCl सॉल्यूशन फ्रॉम विच 2 लीटर 2M सॉल्यूशन, फ्रॉम विच 2 लीटर 2M कैपिटल M, फ्रॉम विच 2 लीटर कॉमा 2MHCl सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड, फ्रॉम विच 2 लीटर 2M सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड बनाया जा सके, कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड। चलिए चलो बच्चों देखो कैसे करना है। एक बात तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, आपको याद है दो कंसंट्रेशन दो वॉल्यूम के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था बेटा, एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, यस और नो, एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, हर कॉन्सेप्ट पे घुमा फिरा के अपन क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू में हमें क्या करना, ध्यान रखना, अगर दो कंसंट्रेशन दो वॉल्यूम, मैंने क्या कहा दिमाग में सेट होना चाहिए बच्चों को, करना कैसे मुझे, दो कंसंट्रेशन दो वॉल्यूम टोटल कितनी वैल्यूज हो गई 4, अगर 4 में से 3 गिवन हो एक पूछे तो देखते दिमाग में आना चाहिए एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। और अगर दोनों वॉल्यूम दोनों कंसंट्रेशन देके अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करिए तब कौन सा आना चाहिए, एम आर वी आर इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, समझ में आ गया। अरे दोनों कंसंट्रेशन दोनों वॉल्यूम दे दिए मतलब एम वन वी वन एम टू वी टू चारों दे रखे हैं तो रिजल्टेंट वाला एम आर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समझ में आ गया। लेकिन देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक कंसंट्रेशन हमें ये दे रखी है, एक देखो दूसरी कंसंट्रेशन ये दे रखी है, दो कंसंट्रेशन हो गई, एक वॉल्यूम मुझे ये दे रखा, मतलब दूसरा वॉल्यूम अननोन है या नहीं है, इसका मतलब तीन दो कंसंट्रेशन आ गई और दो वॉल्यूम में से एक वॉल्यूम दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, दो कंसंट्रेशन दो वॉल्यूम में से 3 गिवन हो एक आस पर तो क्या करेंगे, एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे यहाँ से, एम वन वी वन इक्वल टू क्या करेंगे एम टू वी टू, बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ से देखो पहले वाली कंसंट्रेशन पहले वाला वॉल्यूम, पहले वाली कंसंट्रेशन पहले वाला वॉल्यूम, पहले वाली कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। दूसरे वाली कंसंट्रेशन कितनी है 3 और दूसरे वाला वॉल्यूम ये लीटर में है तो ये भी क्या होगा लीटर में होगा बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है। अब गलती से बचने के लिए ध्यान रखना, आपको जानबूझ के क्या बोला है बच्चों, ml वॉल्यूम, बच्चों ml वॉल्यूम की बात करा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अगर मैं बात करूँ v लीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3 मतलब कितना आ गया 1.333 लीटर, यस और नो, लेकिन मुझे लीटर में बोला है या ml में बोला है, ml में 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा पहला ऑप्शन यही दे रखा था, लेकिन ध्यान रखना मुझे लीटर में नहीं बोला, क्या बोला है ml में, क्लियर है। तो क्या करेंगे v ml की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या करेंगे 1.333 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1000 ml, यस और नो, तो कितना हो जाएगा बेटा यही हो जाएगा ना, ठीक है, अच्छा 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो कितना हो जाएगा 33 ml, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा, कोई डाउट नोट करो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एडेड वाटर इन 300 ml, 2 m annual solution. Calculate the volume of added water in 300 ml, 2 m annual solution. From which? From which 1.5 m annual solution can be prepared. इससे ये solution बनाया जा सके. देख लिया बेटा, देखो बच्चों कैसे करना है. सबसे पहले बात वही आ गई बच्चों, देखो कैसे करना है, इधर ध्यान दो. सबसे पहले बात क्या आ रही है, दो concentration, दो volume में से कितनी values हमें given है. अरे कितनी वैल्यू गिवन है बच्चों, तीन वैल्यू गिवन है, दो कंसंट्रेशन, एक वॉल्यूम मुझे दे रखा है, तो दूसरा वॉल्यूम मुझे चाहिए नहीं चाहिए, दूसरा वॉल्यूम चाहिए. तो देखो बेटा क्या करेंगे, m1 v1 इसको लोग क्या करेंगे, m2 v2. यस और नो, क्लियर है बच्चों. देखो पहले वाले कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 2, और पहले वाला वॉल्यूम कितना है, 300, इक्वल टू दूसरे वाली कंसंट्रेशन कितनी है, 1.5, और दूसरे वाला वॉल्यूम है ये आ जाएगा. क्लियर है, ठीक है बेटा. इसे अगर करूं मैं तो क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू क्या करूंगा, 2 × 300 अपॉन कितना हो जाएगा, 1.5. क्लियर है बेटा, ठीक है. यहां से डेसिमल हटाए तो ऊपर कितना आएगा, 10 आएगा. आएगा बच्चों, तो देखो 15 को 30 से करें तो ये कितना आएगा, 20 टाइम. क्लियर है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 40, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, 400. ये ml में था तो ये भी ml में मेरा आंसर आ गया ना, ये यस और नो. नो बेटा, ठीक है. अगर यही आंसर होता तो मैं क्वेश्चन लिखाता ही नहीं. सेम क्वेश्चन आपको डबल नहीं मिलेगा किसी भी चैप्टर में, किसी भी कंटेंट पर ध्यान रखना. हर क्वेश्चन में आपको अलग हिंट कुछ न कुछ मिलेगा बच्चों, जहां गलती कैसे करवा सकता है. ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो अच्छे से, क्या बोल रहा है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एडेड वॉटर, एड किए गए वॉटर का वॉल्यूम क्या होगा. तो बच्चों देखो, बच्चा कहेगा सर ये वॉल्यूम फिर आपने क्यों कैलकुलेट किया. बच्चों ये बताओ, इस बॉटल में पहले मान लो वॉल्यूम है 100 ml, पहले वॉल्यूम कितना है 100 ml, मैं इसमें कितना वॉटर ऐड करूं कि इसका फाइनल वॉल्यूम 200 ml हो जाए. 100 ml, समझ में आ रहा है. मैंने क्या कहा, पहले वॉल्यूम था इतना था, और बाद में कितना वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम पता चलेगा, उनका डिफरेंस करूंगा तभी तो पता चलेगा कितना वॉटर ऐड करना पड़ा. समझ में आ गया. तो मुझे ये नहीं बोला कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, मुझे ये बोला है कि कितना वॉटर ऐड करना पड़ेगा. वो तो तब पता चलेगा ना, पहले वाला वॉल्यूम ये है, दूसरे वाला वॉल्यूम ये है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया वो कहां से आया है, वॉटर ऐड करने पर. वॉटर का तो वॉल्यूम है ये बच्चों, ये क्लियर है. ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, VH2 यानी वॉटर का वॉल्यूम कहां से आएगा, V2 माइनस V1 दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस करूंगा तभी तो आएगा बच्चों. क्लियर है, V2 मेरे पास कितना है 400, V1 कितना है बच्चों 300, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा 100 ml, ये मेरा आंसर है. समझ में आ गए. हर क्वेश्चन में देखो कहां से हमें गलती का चांस देगा, कैसे करना है. क्लियर है, नोट करो.
ले बेटा चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ, लिखो 100 ml ए 100 ml कोमा सेमी मोलर सॉल्यूशन, ए 100 ml कोमा सेमी मोलर सॉल्यूशन, ए 100 ml कोमा सेमी मोलर सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद ए 100 ml कोमा सेमी मोलर सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद मिक्स्ड विद 200 ml कोमा डेका मोलर सॉल्यूशन, 200 ml कोमा डेका मोलर सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट then calculate the concentration of resultant solution. then calculate the concentration of resultant solution. calculate the concentration of resultant solution. चलिए calculate the concentration of resultant solution. लेफ्ट नोट. चलो बच्चों देखते हैं कैसे करना क्या करना. सबसे पहले ये बताओ खाली मुझे कॉन्सेप्ट बता दो बच्चों, बाकी तो कैलकुलेशन करनी है सिर्फ अप्लाई करना है. कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा? वो तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं? पहली बात तो ये तो एम आर वाला, सीधी सी बात है, इधर ध्यान दो. सेमी मोलर का मतलब कितना होता है? अरे 1/2 m. डेका मोलर का मतलब कितना होता है? 10 m. तो मैंने क्या कहा था, डायरेक्टली आपको नहीं देगा, बच्चे का दिमाग चेक करेगा, बच्चे को पता है क्या इसका मतलब. पहला वॉल्यूम पहली कंसंट्रेशन, ऐसा होना. सेमी मोलर मतलब 1/2 molar बोल रहा है डायरेक्टली बेटा. दूसरा वॉल्यूम दूसरी कंसंट्रेशन, दोनों वॉल्यूम दोनों कंसंट्रेशन दे रखे हैं, इसका मतलब m1 v1 m2 v2 लगा सकते हैं क्या? चारों वैल्यू दे रखी है तो कैलकुलेट क्या करेंगे? इसका मतलब रिजल्टेंट बोल दिया, चारों वैल्यू गिवन है, दोनों वॉल्यूम दोनों कंसंट्रेशन, रिजल्टेंट के लिए क्या लगाएंगे? एम आर वाला कॉन्सेप्ट याद है ना. तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ से, इसका मतलब एम आर वी आर, एम आर वी आर इसको क्या करूंगा, एम वन वी वन प्लस क्या होगा बच्चों, एम टू वी टू. यस और नो? क्लियर है? तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, एम आर इक्वल टू एम आर इक्वल क्या करेंगे, एम वन वी वन प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, एम टू वी टू अपॉन क्या हो जाएगा, वी आर को अपॉन में लेके आएंगे तो वी वन प्लस वी टू होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों. चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर. तो एम आर, एम आर इक्वल टू देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, एम वन, एम वन मतलब पहले वाली मोलरिटी कितनी है? अरे सेमी बोला है मतलब 1/2 है या नहीं है? है बेटा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी वन कितना है पहला, 100 ml. क्लियर है? ठीक है, फिर क्या बोलेंगे दूसरा, क्या बोला है, डेका, डेका मतलब आ की साउंड आ रही है, मतलब 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई बाय दूसरा वॉल्यूम कितना है, 200 अपॉन क्या करेंगे बच्चों, 100 प्लस क्या हो गया, 200. यस और नो? ठीक है, इसे मैं करूंगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 50. तो क्या हो जाएगा बेटा, 50 प्लस ये कितना हो गया, 2000 होगा या नहीं होगा, अपॉन में कितना हो गया बच्चों, 300. क्लियर है? ये कितना हो गया बेटा, 2050 अपॉन कितना हो गया, 300. क्लियर है? यहाँ से अगर मैं करूँ तो देखो बेटा एम आर स्कूल मेरा कितना आ जाएगा, अप्रोक्स करके करूँ बच्चों, देखो ये 20 से यहाँ पे डेसिमल आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा. तो 20/3 अगर करें तो समथिंग कितना आ जाएगा, 6.8 आएगा नहीं आएगा? क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करूँ तब तो 21 आता है. ये मेरे पास इसे देखो 0 से कैलकुलेट करूँ तो अपन क्या आएगा बेटा, 20.5/3. यस और नो? एग्जैक्ट 7 टाइम डिवाइड तब तो कब होता, जब 21 होता, लेकिन उससे थोड़ा कम है, मतलब कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट कितना आ गया बेटा, 6.8 m. समझ में आ गया? क्लियर है? नोट करो बच्चों.
चलिए बेटा, चलो बच्चों एक और बच्चों लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस पे शानदार क्वेश्चन है। लिखो बच्चों, लिखो 100 ml कोमा 0.1 mHCl सॉल्यूशन, 100 ml कोमा 0.1 mHCl सॉल्यूशन, 100 ml कोमा 0.1 mHCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 300 ml कोमा 0.2 mNaCl सॉल्यूशन, 300 ml कोमा 0.2 mNaCl सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड Cl- इन ए रिजल्टेंट सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड Cl- इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड Cl- इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है? आपको फिर खुद दिमाग लगाना है, फिर कल मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, कैसे करना है देखो, मुझे क्या बोला है, H+ और Cl- की कंसंट्रेशन पूछी है, तो ध्यान रखना रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या करना है, H+ की कंसंट्रेशन करूंगा तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, नहीं होता, यस और नो? ठीक है बेटा, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, मल्टीप्लाई क्या करते हैं बच्चों, 1000। अगर आपको कंसंट्रेशन H+ की चाहिए तो मोल भी किसके चाहिए, H+ के चाहिएंगे, यस और नो? और वॉल्यूम यहाँ पर दोनों को मिक्स कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, वी टोटल, यानी वी टोटल कौन सा, पहला वॉल्यूम प्लस है दूसरा वॉल्यूम, समझ में आ गया, क्लियर है? तो देखो बच्चों क्या, पहले सॉल्यूशन की आपको देखो बच्चों मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी वॉल्यूम से हमारे पास मोल आ सकते नहीं आ सकते, अरे आ सकते हैं, वो मोल मेरे पास किसके आएंगे, HCl के, HCl ब्रेक होता तो H+ प्लस Cl- एक HCl ब्रेक होके एक H+ देता, तो जो HCl के मोल आएंगे वही H+ के मोल होंगे, यस और नो? क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास H+ के मोल आ जाएंगे, H+ के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम ये प्लस ये, क्योंकि इससे तो H+ आएगा ही नहीं, क्लियर है? फिर मुझे क्या करना है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे सॉल्यूशन में NaCl के मोल आ जाएंगे, यस और नो? NaCl के मोल आ जाएंगे, एक NaCl ब्रेक होके Na+ Cl- यानी एक ही Cl मिलता है, तो जो NaCl के मोल होंगे वही तो क्या होंगे, NaCl यानी Cl- के मोल होंगे, तो Cl- के मोल यहाँ से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए, अरे Cl इससे भी तो मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो HCl और NaCl के पहले आपको क्या करना है, दोनों के खुद के मोल कैलकुलेट करने हैं, मोल कैसे कैलकुलेट करने हैं, मोलरिटी वॉल्यूम से, अरे जैसे मोल और वॉल्यूम से मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं वैसे मोलरिटी वॉल्यूम से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो पहले आपके पास HCl और NaCl के क्या आएंगे, मोल आएंगे, क्लियर है? HCl और NaCl के मोल से आपके पास H+ और Cl के टोटल मोल आ जाएंगे, समझ में आ रहा है? फिर H+ और Cl- के टोटल मोल कैलकुलेट करके दो बार फॉर्मूला लगा के, अरे दोनों को मिक्स करा तो वी तो क्या आएगा, दोनों का टोटल सम ही करना है, समझ में आ गया? पहले सॉल्यूशन से कौन कौन से आयन उनके मोल क्या होगा, दूसरे सॉल्यूशन से कौन कौन से आयन उनके मोल क्या होंगे, हमें कौन सा आयन चाहिए, उनके टोटल मोल क्या होंगे, तो उनके टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H+ Cl- की कंसंट्रेशन है आ जाएगी, समझ में आ गया, क्लियर है? इस क्वेश्चन को कल मैं सोल्व करके बताऊंगा, थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दिया ताकि थोड़ा दिमाग आप लगा सको, कैसे करना, शानदार क्वेश्चन है, लास्ट से लास्ट हमें इसी कॉन्सेप्ट पर पूछेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट से भी करके बताऊंगा और फिर आपको सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा, आपका दो स्टेप में आंसर आ जाएगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे करना क्या करना, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा? चलो आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मोलरिटी अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने के बाद अपन नॉर्मलिटी स्टार्ट कर देंगे बेटा, तो ध्यान रखना मोलरिटी तक के क्वेश्चन सारे कर लेना, क्वेश्चन बैंक में जो जो आपको मिले, क्लियर है? कोई डाउट तो साथ साथ है, पूछते रहा करो बेटा, ओके बाय।